बर्फानी बाबा के दर्शनों को यात्रियों का जम्मू मंदिरों वाले शहर में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मुश्किल हालात में बरसात में पहाड़ियां चढ़कर वहां जाने के लिए वो इच्छुक होते हैं। उनको अपनी सेहत का नहीं बल्कि बाबा के दर्शनों का अभिलाषी होते हैं और बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। हम उन सब पूरे हिंदुस्तानियों से प्रार्थना करते हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ज़रूर आएं और एक बार जरूर मतलब उनके दर्शन करके जाएं। उनको पता चले कि किन पहाड़ियों में हमारे माता पार्वती और शिव जी कहाँ गुफों में वो रहकर उन्होंने तपस्या की, कैसे तपस्या की, उनको ये पता चलना चाहिए। वहाँ बर्फ़ जो है 2 महीने रहती है, टपती रहती है, वो उसका नज़ारा देखें। उसके साथ साथ हमारा माता वैष्णो देवी का मंदिर है और बहुत बड़ा मानता वाला मंदिर है, वहाँ भी आएँ। इसके अलावा और हमारे बहुत से तीर्थ स्थान हैं, जैसे बुड्ढा अमरनाथ पुंछ में है, जैसे शिवखोड़ी है। इसके अलावा मैं पीतम्बर शर्मा, श्री अमरनाथ यात्रा सोशल वेलफेयर कमेटी की ओर से आज जो लंगर लगाए गए हैं, ये बहुत देर से लंगर लगाया गया, हमारा साधुवाद है, शुभकामनाएं हैं। ये कमेटी बड़े भूले और आए हुए अमरनाथ यात्रियों का भरपूर जहाँ सहयोग मिले और धन मानतंत्र की इनकी सेवा करें, भोलेनाथ इनकी सह कृपा करें। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी की ओर से और जम्मू वालों की ओर से सभी अमरनाथ यात्रियों की स्वागत करता हूं। और मैं जम्मू में जितने भी यात्री हैं उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम यही चाहते हैं कि हमेशा हर साल वो हमारे जम्मू में आते रहें, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते रहेंगे। जय बम बम भोले, जय भारत, जय भारत। जानते हैं जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा चल रही है। ये श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी जिन्होंने कि भगवती नगर जम्मू में लंगर लगाया हुआ है श्रद्धालुओं के लिए जो बाहर से आ रहे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ख़ास तौर पे राजू चंदेल जी का और आरके गोयल जी का जिन्होंने मेरे को यहां पर आमंत्रित करा इनको लंगर की सेवा देने के लिए। मैंने भी आज लंगर जो इनका है वहां पर सेवादारी करी है और मैं ये प्रभु से प्रार्थना करूंगा, भोले शंकर जी से कम इन लोगों को इतनी सहानुभूति दी जाए कि इनको इतना सशक्त बनाया जाए जो कि 2 महीने कंटिन्यू लंगर लगाते हैं। ये लंगर लगाना कोई खाला जी का घर नहीं है, ये बाबा भोले शंकर की मेहर है। बाकी ये लोग तो जरिए हैं, बाकी जो औरों ने भी यहाँ पर लंगर लगाए हुए हैं अमरनाथ यात्रियों के यहाँ पे भगवती नगर में, मैं उनसे भी ये प्रार्थना करूँगा कि यात्रियों को अच्छे ढंग से खाना खिलाएं और हाइजीनिक खाना हो, किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और खुशी खुशी वो यात्रा करें, भोले शंकर के दर्शन करें और अपने अपने घरों में सुरक्षित जा सकें। जय हिंद, जय भारत।